हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर बना कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला एक ऐसा ब्रिज है जिसमें तो ना पिलर है और ना बोल्ट। वे ठीक 12 बजे इसे बंद कर दिया जाता है। इस ब्रिज का नाम तो कुछ और है, लेकिन लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं। इसका असली नाम तो वहाँ रहने वाले कई लोगों को मालूम नहीं होता। वहीं कई लोग कहते हैं इस ब्रिज की एक चाबी भी है जो अंग्रेजों के पास आज भी है। उन्होंने अभी तक वो चाबी भारत को नहीं लौटाई। हावड़ा ब्रिज को लेकर कई किस्से कहानियां हैं, इससे जुड़ी कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं के बारे में आप में से कई लोगों को मालूम नहीं होगा। अगर आप भारत के निवासी हैं और गांव, कस्बों और छोटे शहरों में पुराने दादा की कहावत आपने सुनी तो होगी। आपने तो एक बात जरूर सुनी होगी, बड़ी इमारत या बड़े पुल या कुछ भी बड़ा बनता है तो ये कहावत चलती है ट्राइबल इंडिया में कि वह बली मांगती है, वह सैक्रिफाइस मांगती है। जब कुछ भी बड़ा बनाते हैं तो कुछ लोग मारे जाते हैं, उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग खड़ा रहता है। लेकिन हावड़ा ब्रिज को बनाने में क्या सैक्रिफाइस किया गया है, हावड़ा ब्रिज के पीछे क्या रहस्य है, आइए जानते हैं इस वीडियो में दोस्तों। ऐसा ब्रिज जिसने वर्ल्ड वॉर में बमबारी झेली है और भारत की तरक्की भी देखी है। हावड़ा ब्रिज के इतिहास को जानने के लिए हमें इसके इतिहास के पन्ने पलटने होंगे, पर उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्यों 12 बजे इस ब्रिज को बंद कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात, जिन्होंने इसे बनाया था उन्होंने कहा था कि भविष्य में अगर ये पुल कभी गिरेगा तो 12 बजे गिरेगा, लेकिन ये नहीं बताया था कि दिन के या रात के, इसलिए हावड़ा ब्रिज को दो समय बंद किया जाता है। वैसे इस ब्रिज को लेकर कहा जाता है कि इसकी चाबी भी है जो अंग्रेजों के पास है, उन्होंने वापस नहीं की है। उस चाबी को लेकर कहा जाता है कि चाबी की मदद से ब्रिज को खोला जा सकता है। अंग्रेजों ने इस पुल को कुछ इस तरह से बनवाया था कि यहाँ से गुजरना चाह रहे हैं तो इस ब्रिज को इस तरह खोला जा सकता है, और इसका इस्तेमाल हो जाने के बाद इसे बंद कर दिया जाता था। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका दावा कर पाना भी मुश्किल है। हम हावड़ा ब्रिज के इतिहास के बारे में जाने तो मालूम पड़ता है इसे सन 1942 में बनाया गया था। उसके बाद 3 फरवरी 1943 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया है। उस समय ये पुल दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। इसे अंग्रेजों ने बनवाया था। अंग्रेजों ने इस ब्रिज को इसलिए बनवाया था कि क्योंकि उस वक्त कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर कोई भी पुल नहीं था। लोग इस ओर से दूसरी ओर जाने के लिए नावों का इस्तेमाल करते थे। सन 1971 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद साल 1974 में सर वेंटफोर्ड लेसी ने नदी पर पीपे का पुल निर्माण करवाया था। साल 1906 में हावड़ा स्टेशन बनने के बाद उस पुल पर ट्रैफिक बढ़ने लगा, तो इस पुल की जगह एक फ्लोटिंग ब्रिज यानी तैरता हुआ पुल बनाने का फैसला किया गया। लेकिन दोस्तों तब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी, इसलिए इस पुल को बनाने का काम शुरू नहीं हो पाया था। लेकिन साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के बाद बेथवेन बोन और जॉनसन कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस ब्रिज को बनाने का जिम्मा सौंप दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पुल में एक भी पिलर नहीं है। अगर आप गौर से इस ब्रिज को देखे हुए तो आपको मालूम पड़ेगा इस पुल के नीचे एक भी पिलर नहीं है। तो दोस्तों ब्रिज इतने सालों से पानी पर कैसे खड़ा है? दरअसल पूरा ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे दो पायों पर टिका है। हावड़ा ब्रिज को बनाते वक्त अंग्रेजों की शर्त थी कि ब्रिज चाहे जैसा भी बने लेकिन ब्रिज के नीचे कोई भी पिलर नहीं होना चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलती बोट को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए पूरे ब्रिज को नदी के दो किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे दो पाये पर टिकाया गया है। इसके दोनों पिलर्स के बीच की दूरी 1500 फीट है। इसके साथ साथ हैरान कर देने वाली बात यह है कि ब्रिज को बनाते वक्त स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की जगह धातु की बनी मेटल की बनी किले यानी कि ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। इतने बड़े ब्रिज में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप तो ये भी जानना चाहेंगे कि इस ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। आप सोच रहे होंगे इतने बड़े और पुराने ब्रिज को आखिर अब तक सही सलामत कैसे रखा जाता है, तो आपको बता दें कि बंगाल के लोग खान पान के शौकीन होते हैं, इसलिए साल 2011 में रिपोर्ट में बात सामने आई थी कि तंबाकू थूकने की वजह से ब्रिज के पाए की मोटाई कम हो रही है। इसके बाद पुल को बचाने के लिए स्टील के पाए को नीचे फाइबर से भर दिया गया। इसमें लगभग 20 लाख खर्च हुए थे। इस पुल की मरम्मत का काम
सरकार समय समय पर करवाती रहती है। इस पूरे ब्रिज को पेंट करने के लिए 26,500 लीटर पानी की खपत होती है, जिसमें लगभग 65 लाख रुपए खर्च होते हैं। लेकिन ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे कि इस पुल पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बमबारी भी हुई थी, लेकिन इस ब्रिज को उसने कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया था। आप में से कितने लोग हुगली ब्रिज के बारे में जानते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।